हेलो मेंबर्स, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। ये कोर्स करने के बाद आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन जाएंगे और आप अपने नाम के आगे एक डीसा जो डिग्री है वो एड ऑन कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल यहाँ पे 6 मंथ्स लगने वाले हैं और 6 मंथ्स को हमने यहाँ पे बाइफरकेट किया है 6 स्टेप्स में। तो 6 स्टेप्स अगर आप ये फुलफिल कर लेते हैं तो आप ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है ICAI के साथ। तो ये कोर्स जैसे कि पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है, तो अगर आपके पास CA का मेंबरशिप आपने ले लिया है उसके बाद आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए 2 तरीके। सबसे पहले तो देखते हैं कि कई लोगों ने पहले PQCA पोर्टल जो चलता था इंस्टीट्यूट का, जिसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये पोर्टल था PQC ICAI.org। तो अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट जो है इस कोर्स के लिए कर रखा होगा, तभी आप यहाँ पे रजिस्टर हो पाए और आपके डैशबोर्ड में वो दिख रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको ये साइट से स्टडी नहीं करनी है, आपको सीधा चले जाना है सेकेंड जो साइट अभी जो लॉन्च हो गई है इंस्टीट्यूट की, जिसमें कि सारा कुछ कंटिन्यू हो रहा है, तो ये होगी learning.ICAI.org। तो ये होगी सेकेंड साइट। तो अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट की 2 साइट है, ये पुरानी साइट है PQC.ICAI। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नया अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये साइट विजिट नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली learning.ICAI.org विजिट करना है और यहीं पे ही रजिस्टर करना है। ये उन मेंबर्स के लिए जो पुराने मेंबर्स थे जो 2.0 के कोर्स वाले थे, उन लोग यहाँ पे अगर रजिस्टर कर रखे हैं तो आपको अब यहाँ पे स्विच करना है, इस वेबसाइट पे स्विच करना है। तो ये तो है सबसे पहला स्टेप कि आपको रजिस्टर कहाँ पे करना है। तो ये ओल्ड मेंबर्स के लिए था कि ओल्ड मेंबर्स जो हैं उनको ये साइट जो इस पर रजिस्टर ऑलरेडी उनका हो रखा है, तो उनको अब कुछ नहीं करना है, सीधा चले जाना है ई लर्निंग वाले सेकेंड स्टेप में। और ये सेकेंड स्टेप में जाने के लिए उनको विजिट करना है learning.ICAI.org। तो ये था एग्जिस्टिंग ICAI जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके लिए। अब हम देख लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, जो अगर आप नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस कोर्स को, तो आपको डायरेक्टली विजिट करनी है learning.ICAI.org। तो उसकी जो परफेक्ट जो लिंक होती है, जिसमें कि डायरेक्टली आप प्रोडक्ट पेज पे आप जा सकते हैं, जिसमें आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, वो भी हमने यहाँ पे हमारी वेबसाइट prokhata.com पे प्रोवाइड करी है। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जो कि पेज है पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स का। अब जैसे ही आप ये इस पेज में आते हैं, तो इस पेज में आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसकी फ़ीस है 10,000 रुपीज़, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और जो पुराने मेंबर्स थे जो PQC वेबसाइट पर रजिस्टर्ड थे, वो यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं इस यहाँ पे अपने कोड जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके ईमेल में प्रोवाइड किया जाता है, तो वो यहाँ पे आप कोड करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, नए मेंबर्स के लिए पुराने मेंबर्स के लिए, मैंने आपको यहाँ पे दोनों बता दिए। तो पहला तो स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन का। अब अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ई लर्निंग के लिए। तो ई लर्निंग के लिए यहाँ पे जो लिंक जो अभी हमने ओपन किया था, ये यहाँ पे जैसे ही आप जब पेमेंट कर देंगे तो आपके डैशबोर्ड में ये कोर्स आपको विजिबल हो जाएगा। तो अपने डैशबोर्ड में जहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपको कोर्स दिखेगा और इस कोर्स को यहाँ पे से आप लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको ये सबसे पहले ई लर्निंग कंप्लीट करनी है। अब देखिए, ई लर्निंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन है मार्केट में। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ई लर्निंग यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ क्लासेस जो है वो प्रेजेंटेशन बेसिस पे यहाँ पे अलॉट की गई है। तो आपको वहाँ पे 6 जो प्रेजेंटेशन है वो आपको देखने हैं सबसे पहले, और वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद इन प्रेजेंटेशन के ऊपर ई लर्निंग असेसमेंट टेस्ट देना है। तो ये जो प्रेजेंटेशन में जो टॉपिक्स कवर कराई गई है, उसको यहाँ पे हम ई लर्निंग का नाम देते हैं, और वो हमारे जो कोर्स है, जो हमारा वीडियो लेक्चर्स का कोर्स है, उसमें उसको हमने Module 0 नाम से कवर किया है। तो ये जितना भी ई लर्निंग यहाँ से आपको जो फर्स्ट स्टेप से आपका जो पढ़ाई चालू हो गई है, वो ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में भी कवर किया हुआ है। तो यहाँ से आप चालू करेंगे, सबसे पहले ई लर्निंग आपको कंप्लीट करना है और ई लर्निंग टेस्ट देना है। थर्ड पॉइंट आ गया कि ई लर्निंग टेस्ट देना है। तो ये जो ई लर्निंग है, लगभग 20 आवर्स की ई लर्निंग है। तो 20 आवर्स की ये जो ई लर्निंग है मैंडेटरी है, आपको ये कंप्लीट करनी है और उसके बाद ई लर्निंग असेसमेंट टेस्ट देना है। ये टेस्ट में आपको 4 अटैम्प्ट मिलेंगे, जिसमें कि आपको पास करना है इस एग्ज़ाम को, और यहाँ पे आपको 10 मार्क्स लाना रहता है 30 में, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है। तो ये ई लर्निंग असेसमेंट टेस्ट में भी हमारे लेक्चर्स जो है वो आपको मदद करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। जब आप ये आपके ई लर्निंग टेस्ट कंप्लीट हो जाए, तब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए क्या करना रहेगा, आप ये जो पेज में जब आप देख रहे हैं ई लर्निंग में, यहाँ पे जो पेज दिख रहा था, यहीं पे आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा।
जैसे ही आप इसको लॉन्च करेंगे तो लॉन्च करने के बाद अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको बैचेस देखने चाहिए कि कौन कौन सी बैचेस आने वाले। अब अगर आपने 10,000 पे किया है तो आप वर्चुअल बैचेस अटेंड कर सकते हैं, और अगर आपने 14,000 पे किया है तो आप फिजिकल बैचेस अटेंड कर सकते हैं। तो उन बैचेस में से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली कि जब कौन सा आपको वीकेंड बैच पसंद आ रही है कि डेली बैचेस पसंद आ रही है, टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और टाइमिंग डेट वाइज भी आप उसमें ऑप्शंस रहते हैं, तो जो आपको सुटेबल रहे वो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है जो कि 18 डेज की रहती है वर्चुअल मोड। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको 72 आवर्स के यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा जिसमें कि 18 क्लासेस रहेंगी अलग अलग, और ये सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पे एक ब्रीफली बेसिस पे यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको एकदम इनडेप्थ तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट एक ओवरव्यू दिया जाएगा इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग में कि इस कोर्स में क्या क्या है, कैसे कैसे आपको देखना है, क्या क्या कवर करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो ये जो टोटल क्लासेस रहेगी 17 क्लासेस यहाँ पे रहेगी, इसमें 90% आपको अटेंडेंस देना जरूरी है, मतलब 18 क्लासेस है तो 17 क्लासेस आपको अटेंड करना जरूरी है और तब उसके बाद आपका ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट माना जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते वक्त साथ में आपको कुछ मॉड्यूल टेस्ट भी देने होंगे, तो टोटल यहाँ पे 3 मॉड्यूल टेस्ट होंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे 3 मॉड्यूल टेस्ट होते हैं, 20 मार्क्स के मॉड्यूल टेस्ट है, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया जाता है, और इसके लिए यहाँ पे आपको 6th डे पे होगा, 12th डे पे होगा, 18th डे पे यहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम ली जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंडक्ट किए जाते हैं अगर मॉर्निंग वर्चुअल बैच है तो, और इवनिंग बैचेस है तो यहाँ पे 7th, 13th और 19th डे पे ये एग्ज़ाम ली जाएगा। तो ये जब कंप्लीट कर लेते हैं मॉड्यूल टेस्ट को, मॉड्यूल टेस्ट में भी पास होना बहुत ज़रूरी है, उसके बेसिस पे आगे का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो डिपेंड करता है। तो और मॉड्यूल टेस्ट के साथ साथ आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ उसकी वाइवा भी पूछा जाएगा, उसके लिए वाइवा का भी एक सेशन रहेगा आपका जिसमें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप तैयार करेंगे उससे रिलेटेड आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि कई बार ये देखा गया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोग बना नहीं रहे थे, मेहनत नहीं कर रहे थे उस पर, तो इसीलिए खाली पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला जाता था, पर आजकल ये नया वाइवा भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि ये भी जज कर सके कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने ही बनाया है और आपने स्टडी करके बनाया है। इसीलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अच्छे से तरीके से तैयार करें, उसके लिए आपको पूरा कोर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट आपकी स्टडी हो जाएगी तो ये भी आपको बनाना बहुत ईजी रहेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कुछ सैम्पल्स हमारे इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डीसा सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स ज़रूरी नहीं है कि यही टॉपिक्स रहे, टॉपिक्स नए टॉपिक्स रहेंगे, तो आप इसको देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। चलिए अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे, मॉड्यूल टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका ये पूरा जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जर्नी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एलिजिबल होने के लिए भी, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी एलिजिबल होना है, तो उसके लिए कुछ वेटेज है। वेटेज ये है कि क्लास टेस्ट जो होंगे, जो हमने देखे थे 3 मॉड्यूल टेस्ट हो रहे हैं जो कि 20-20 मार्क्स के थे, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वाइवा मिला के 10-10 मार्क्स के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 और वाइवा 10 मिला के 20 मार्क्स, तो टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे कवर हो। तो इन 80 मार्क्स में से, ये जो टोटल 80 मार्क्स है, इसमें से आपको 48 मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो 48 मार्क्स जब आप लाएंगे, मतलब 60% ऑन एन एग्रीगेट आपको लाना है। जैसे मान लो अगर कोई एक मॉड्यूल टेस्ट में आपका नहीं हो रहा है, तो आप उसका ओवरकम करने के लिए दूसरे से कवर कर सकते हैं। तो हर एक में 60% लाना जरूरी नहीं है, पर हर एक में कम से कम पास होने चाहिए आप, और 50% के साथ, और यहाँ पे 60% आपको एग्रीगेट लाना है। तो ये 48 मार्क्स जब आपके आ जाएंगे तब आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देने मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी टेस्ट जब आप चालू करेंगे तो एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन आप एग्जाम फॉर्म भर के डायरेक्टली आपके जो लॉगिन रहता है वहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा डैशबोर्ड में, तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं और कि आपको ये कब कौन से सेंटर पे देना है, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं उसमें। बट अब जैसे कि अब ये वर्चुअल मोड में है तो डायरेक्टली आप कहीं से भी आप इसको दे सकते हैं। उसके लिए एक आपका फेस असेसमेंट सबसे पहले किया जाता है, फेस असेसमेंट करने के बाद आप उसको डायरेक्टली अपना वेबकैम आपको ऑन रखना रहेगा उस पूरे ड्यूरेशन पे, और आप ऑनलाइन बेसिस पे उस पूरे एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो
तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट में टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपको 72 मार्क्स लाना कंपलसरी है, मतलब 60% यहाँ पे आपको लाना है, तब आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे, तब आप फाइनल जो टेस्ट होता है जो कि कहलाता है यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट, ये आप दे पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट को कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई लर्निंग टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट ये अलग अलग क्या है, तो वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ई लर्निंग टेस्ट तो एक सिंपल आप जो ई लर्निंग अटेंड कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इजी सा एक टेस्ट रहता है जो कि आप क्लियर कर सकते हैं, पर ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कोर्स कवर होता है, मतलब 6 मॉड्यूल्स अगर आपके हैं नए कोर्स में 3.0 में, तो वो 6 के 6 मॉड्यूल से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और पासिंग मार्क्स भी देख रहे हैं कि आप यहाँ पे 60% होता है, तो बहुत ज़्यादा है, जो कि समझ लो आपको एग्जेम्पशन लाना है तब जाके आप ये क्लियर कर पाएंगे। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं असेसमेंट टेस्ट के लिए। तो ये असेसमेंट टेस्ट में जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, और ये जो है वो फिजिकल टेस्ट होता है। यहाँ पे जो आप वर्चुअल बेसिस पे जो टेस्ट दे रहे थे, जैसे कि ई लर्निंग टेस्ट दिया जा रहा था, वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर में जाना है, पहले एग्जाम फॉर्म भरने एग्जाम सेंटर में जाना है और वहाँ जाके आपको फिजिकली ये पेपर देना है, जैसे कि CA की एग्जाम्स हम दिया करते थे, सेम तरीके से यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट को भी देना है। तो ये जब आप पूरा प्रोसेस कर लेंगे तब जाके आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और आपको डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की डिग्री मिलेगी, जिसको आप अपने नाम के साथ भी एक और एक एडिशनल डिग्री के तौर पर जोड़ सकते हैं। और बैंक ऑडिट्स में भी इसके लिए काफ़ी मदद मिलती है, अलग अलग जो ऑडिट्स रहते हैं वो आपको ईजिली मिल जाते हैं, तो उसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो एडिशन हो जाते हैं। क्योंकि अब ये जो है पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे 25 CPRs तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग जब आप अटेंड करेंगे तभी मिल जाएगा, और 5 CPRs जब आप 80 एग्जाम क्लियर कर लेंगे, फाइनल एग्जाम जो रहती है इसकी वो आप क्लियर कर लेंगे, तब आपको ये पूरा 5 जो CPRs है वो भी आपको अलॉट हो जाएगा। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, ये तो था कि क्या क्या स्टेप्स थे, अब अगर आप एज अ फ्रेश अभी आप चालू करना चाह रहे हैं तो आप टाइम पीरियड देखिए कि आप कौन से साल के कौन से मंथ में। अगर आप जनवरी या फरवरी मंथ में हैं, तो जनवरी फरवरी मंथ में है तो आप वो एग्ज़ाम है मई जून में दे सकते हैं, क्योंकि तब तक आप ये पूरा प्रोसेस को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर पाएंगे। पर अगर आप लेट आ गए मार्च अप्रैल में आ गए हैं, तो मार्च अप्रैल में आ गए तो वहाँ पे आपको ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग बैचेस मिल पाना बहुत मुश्किल है, कि तुरंत बैच भी मिल जाए और ये सारा चीज़ जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट भी हो जाए। एग्ज़ाम फॉर्म भरने एग्ज़ाम जैसे ही लॉन्च होता है, ET एग्ज़ाम का जो डेट अनाउंस होता है उसके पहले हम कंप्लीट कर पाए, ये सारा चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए वो स्किप वो एक अटैम्प्ट आएगा जो रहेगा नवंबर और दिसंबर का। अब ये मैं दो दो मंथ क्यों बोल रहा हूँ बार बार, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ET और AT 1 month के गैप में होता है। जैसे अगर आपका मई में ET हो रहा है तो जून में AT हो जाएगा, तो ये हो गया साल का पहला वाला अटैम्प्ट। और उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट जो होता है जो कि रहता है नवंबर और दिसंबर, तो नवंबर में होता है ET और दिसंबर में होता है AT। तो आपको अकॉर्डिंगली अपना जो जर्नी है वो प्लान करना है, कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए जब एलिजिबिलिटी टेस्ट अनाउंस होता है उसके पहले, एलिजिबिलिटी टेस्ट अनाउंस होने के पहले। तो मतलब अगर मई में एग्ज़ाम है तो लगभग ये 1 महीने पहले अनाउंस होता है अप्रैल में, तो अप्रैल के पहले आपका ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, ये आप पूरा प्रोसेस ध्यान में रखेंगे तो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो मेरे से काफ़ी सारे डाउट्स पूछे जाते हैं कि हम कैसे करें, हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये सारा मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये प्रो खाता वेबसाइट में ये सारी चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया है लाइन से, आप यहाँ आके विजिट करके इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो भी अगर आपको दिक्कत आ रही है। बेसिकली हर एक के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड करी गई है, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप ओल्ड कोर्स है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड किया गया है और स्ट्रेटजी PDF प्रोवाइड किया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं स्ट्रेटजी PDF को, और जिसके मदद से आप पूरा अपनी जो स्टडी है उसको प्लान कर सकते हैं। वैसे आप 3.0 के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों सारी चीज़ें अवेलेबल है। और अगर आपको क्लासेस की मदद चाहिए, जो वीडियो लेक्चर्स अगर आपको चाहिए जो कि आप को पूरे कोर्स को जो कवर करें मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ जो कवर करे, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो दोनों के कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये प्रो खाता का पेज है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। लास्टली अगर आपको कुछ डेमो वीडियोस देखने हैं, रिव्यूज़ देखने हैं, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ यहाँ पे मेंशनड है, काफ़ी सारे मेंबर्स के यहाँ पे रिव्यूज़ है। और यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स चेक करनी है कि कितने कितना मार्क्स
अचीव किया है या कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रीड मोर में या फोटो में, तो वो उसके अंदर जाके आप पेज में देख सकते हैं कि इन्हें कितना, जैसे अभी इनका मेरे पास टेलीग्राम पे फीडबैक आया था तो वो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे पुट किया है, और इनका रिजल्ट आया था ये 140 मार्क्स से पास हुए हैं। वैसे 150 मार्क्स से भी कई लोग पास हुए हैं, कई लोग 1 वीक पढ़ के भी पास हुए हैं, 3 डेज पढ़ के भी पास हुए हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि फुल टाइम उन लोगों ने पूरे वीडियो लेक्चर्स को दिया था, पूरा डे ऑफ लेके, ऑफिस का डे ऑफ लेके, तब जाके यहाँ पे इनका कवर हो पाया था। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, रिव्यूज़ की समरीज वगैरह देख सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे आपको डेमो वीडियोस दिए हुए हैं, जैसे 2.0 के कुछ डेमो वीडियोस हैं यहाँ पे, ये अलग अलग डेमो वीडियोस आप यूट्यूब के लिंक से यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे 3.0 के डेमो वीडियोस देख सकते हैं। तो 3.0 की डेमो वीडियोस जो है उसमें ई लर्निंग का जो पोर्शन है उसको पूरा रिविजन जो है ई लर्निंग का पूरा रिविजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, DBMS, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, नेटवर्किंग, सारी चीज़ें, फायरवॉल, क्रिप्टोग्राफी, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। तो ये भी आप देख के मदद, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी इसके लिए, और इसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो मैंने दिखाया वो आपको मिल जाएंगे। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको सीसा और डीसा में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे जानने को मिल जाएगा, और जो डीसा का कोर्स है वो और क्या क्या काम आता है, उसके क्या क्या रीजंस है कि वो हमें आफ्टर CA परस्यू करना चाहिए, वो यहाँ पे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट जो एक ही पेज में ये अगर आप विजिट कर लेंगे तो बस आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपको डीसा कोर्स को करने के लिए चाहिए, और इससे के थ्रू आप पूरे कोर्स को ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट पे 1 मंथ के अंदर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, कई लोगों के लिए 1 वीक में भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और ऑल टुगेदर अगर हम देखें पूरे कोर्स को तो 6 मंथ्स में आपको एक एडिशनल डिग्री मिलती है, और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे इन डेप्थ, तो उसके थ्रू आपको काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए ये डिग्री को क्लियर करना, तो आप इसकी मदद से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन करके वहाँ पे कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।